जड़ा है पानी का फ्लो जड़ा इतने ज़्यादा होया। अज असी इतने वैसे तो रोड एक बनानी सी बेकोवाल म्यानी रोड वो संबंध में आए थे तो नाल जदों के कल का काफ़ी इतने पानी का फ्लो वध्या है। साढ़े एम एल ए साहब जसवीर सिंह जी मंत्री साहब साढ़े ब्रह्म शंकर जिंपा जी असी इतने आके सारे जड़े इफेक्टड एरिया ने उन्होंने असी देख रहे हैं। राहत कार्ज तो वैसे कल तो ही चल रहे हैं। जिन्हिया भी साड़िया बोट्स लिया गया गंदूवाल पिंड है इतों सारा इनू खाली जड़ा करवा लिया गया और होर भी जो राशन पानी पहुँचाने की गल भी जड़े प्रशासन उन्होंने हदायत कर दतिया गई ने। सो आ जड़े जिथे आप खड़े हाँ इतने तीन पहाड़ पे ने सो पी डबल्यू डी तो माइनिंग विभाग तो साडा जिला प्रशासन जड़ा इनू जल्दी असी इतों मिट्टी का प्रबंध करके तो इनू जल्दी अज थोड़े समय के भर रहे हैं ता कि आने वाला जड़ा इधर का इलाका है इधर पानी जड़ा वह ना जा सके इलाके जड़ा वह बचाया जा सके। मंत्री साहब लोगों का कहना कि जेकर ये समा रेंदे ही जेकर पैप वगैरह रखे होंगे रस्ता रखा होंगे पुलिया रखिया होंगे तो अज ये हालात ना होंगे इतने के नहीं। देखो असी जदों पानी ज़्यादा आ जाता है ना असी प्रबंध किए हुए हैं और नाल नाल कर भी रहे हैं जिथे सानू हुण कोई घाट महसूस हो रही है असी उत्थे उत्थे अपना जो भी साडे जिहड़े विभाग संबंधित ने उन्हां नूं अज सारे विभाग इत्थे बुलाए हुए ने और सारे ही अपना काम जिहड़ा है वह कर रहे हैं। मकेरियां ते हाजीपुर मैं जिहड़ा होर भी कहना है कि प्रशासन ने इत्थे पानी आउण तों पहलां अगाऊं सूचना किसी नूं नहीं दित्ती पानी चो लंघ के गए मैडम डीसी साहब एसएसपी साहब डिप्टी साहब पूरा प्रशासन सर नाल ही उन्होंने घरी घरी जाके मंड दे विच उन्होंने बाहर कढ़न दी उन्होंने दे अगे बेनती भी की भी बाहर आ जाओ वो आ भी गए है जी। देखो डीसी साहब ने दौरा किया जी कल एमएलए साहब नाल एमएलए साहब रात पूरी 3 बजे गए जी। असि प्रॉपर अनाउंसमेंट्स जड़ियां ने इहदे इहदे नाल संबंधित लोगों नूं अगाऊ सूचना दित्ती सी जी सर रात एक अज तुसी बंद दा निरीक्षण कीता गया क्योंकि तुसी बंद दे लागे पानी आ गया पर की जे पानी जे तुसी बंद रब ना करे टुट जांदा तां उहदा जिम्मेवार कौन हुंदा जां सरकार ने बहुत सारे दावे वादे कर रही है कि आपां मुआवजा देवांगे की कारण हैगा की अज देखिया गया वा इह मौका पहलां क्यों नहीं देखिया। मुआवजे दी गल जिहड़ी है ना मुआवजे दी गल बाद च जदों इहो जिहे हालात कुदरती आफत आउंदी है ना सब तों पहलां तां सानूं उहदे रेस्क्यू ऑपरेशन जिहड़े आ उह चलाउणे चाहीदे ने। मुआवजे की पिछले काफ़ी 2 महीने तो पंजाब दे विच हड़ां दा प्रकोप जिहड़ा जारी है। कल साडे माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने भी शुरुआत की आ मुआवजे देण दी भी पटियाला जिले दे विच उन्होंने कुछ मुआवजे वंडे भी ने पर यह जिहड़ा हुण दुबारा तो जिहड़ा इत्थे पानी आया सब तो पहलां असीं इत्थे रेस्क्यू ऑपरेशन जिहड़े आ उहनूं जिहड़ा आ उह स्पीड अप कर रहे हां। मकेरियां हाजीपुर दे जिहड़े पिंड भी आ काफ़ी डुब्बे हुए ने हाँ जी मकेरियां ते हाजीपुर दे पिंड भी काफ़ी डुब्बे हुए ने जिहड़े उन्होंने दे बारे भी जोड़ा है डेफिनेटली है भी कल एक तो 15 अगस्त है इनफॉर्मेशन देती पानी डैम ने भी बहुत जल्दी छड़िया क्योंकि 1390 फुट की 1400 फुट तक पानी पहुँच गया सी पानी उन्होंने भी ज़्यादा छड़िया एकदम देखो जो छड़िया और फिर भी क्योंकि 15 अगस्त विधि से सारे वो बावजूद डिप्टी कमिश्नर साहब ने उतों अपनी टीम भेजी है एनजीओ भेजी है एम मानजोग एमएलए साहब ने इतों मोर्चा खुद सामया ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਕਵਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ 88 ਔਰ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88 ਚ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ 93 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਰੁਕ